नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ज्योतिष वास्तु चैनल एवीएस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का बहुत ही महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम ज्योतिष शास्त्र के नियमों की पालना करते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और हमारा कार्य आसानी से खत्म भी हो जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम जो भी अहम वस्तुओं की खरीदारी करते हैं वह भी आपके लिए शुभ और अशुभ फल देने वाले होती हैं। अगर हम गलत दिन में कोई भी वस्तु की खरीदारी कर लेते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वे आपको अशुभ फल देने वाली मानी जाती है। दोस्तों, आज टेलीविजन हमारे जीवन की सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तु बन चुकी है। दोस्तों, टीवी यानी टेलीविजन के बिना तो आज जिंदगी काटना भी बहुत मुश्किल भरा काम लगने लगा है और टेलीविजन हमें परिवार का सबसे अहम सदस्य भी लगने लगा है। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टीवी यानी टेलीविजन खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन आमतौर पर कौन से होते हैं। दोस्तों, टीवी यानी टेलीविजन हमें मनोरंजन देने के साथ साथ बाहरी दुनिया से भी जोड़ता है, जिससे हमें ज्ञानवर्धक जानकारी भी मिलती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टेलीविजन पर नवग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभाव गुरु शुक्र और शनि देव का रहता है और इसी कारण गुरुवार को टीवी खरीदना बहुत अच्छा रहता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार को वैसे भी आम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए अच्छा दिन माना गया है। दोस्तों, अगर आप बिना मुहूर्त के टेलीविजन या LED टीवी खरीदना चाहते हैं तो इसे खरीदने के लिए सबसे शुभ विशेष दिन गुरुवार, शुक्रवार और शुक्ल पक्ष के शनिवार होते हैं। इन तीन दिनों में आप टेलीविजन खरीद सकते हैं। दोस्तों, रविवार मंगलवार को टेलीविजन खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा साल के सबसे ज्यादा विशेष शुभ दिनों में भी बनने वाले शुभ मुहूर्त में टीवी खरीदा जा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टीवी खरीदने के लिए कुछ त्योहारों वाले दिन जैसे गणेश चतुर्थी, अक्षय तृतीया, नवरात्रि के 9 दिन, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस से 22 दूज तक, कार्तिक पूर्णिमा या श्री गुरु नानक देव जी की जयंती, ईद, गुड़ी पड़वा के दिन बहुत शुभ माने जाते हैं और ऐसा करने से टीवी सही और लंबे समय तक चलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।